के सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की सबसे बेहद इंपॉर्टेंट जो है बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो अपडेट जानकारी निकल के आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो है 13,352 शिक्षकों के पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती बम्पर पदों पर भर्ती आप लोगों के लिए इस वक्त की बेहद इंपॉर्टेंट जो है ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स निकल कर आ रहा है कि 13,352 नई भर्ती जो है निकल के आया है। तो इसके लिए आप जो है किस तरीके से जो है आवेदन कर सकते हैं, किस तरीके से आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और आपका जो है सिलेक्शन होगा, क्योंकि इस समय जो है छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जॉब वैकेंसीज नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एक के बाद एक आप लोगों के लिए निकल कर आ रहा है। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं और सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है बुक का कि किस तरीके से हम जो है कौन कौन से बुक्स जो है मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन डिपेंड ये करते हैं कि कौन से बुक्स हम जो है प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, क्योंकि अगर आप अच्छे से बुक से प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली अवश्य रूप से हो पाएगा। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भी आपको कौन कौन से बुक्स पढ़ाई करना चाहिए, कौन कौन से बुक्स आपको जो है फॉलो करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण जो है जॉब वैकेंसीज आप लोगों के लिए निकल कर आ रहा है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जब से अभी अब आरक्षण का मामला आया था और आरक्षण का मामला अब सही हो चुका है, अब छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण लागू हो चुका है, कैबिनेट से भी मंजूरी मिल चुका है और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 32% आरक्षण का लाभ मिलेगा, ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 27% और एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 13% आरक्षण का लाभ जो है मिलने वाला है। तो छत्तीसगढ़ में आपके आरक्षण मामले में एक के बाद एक जो है नई नई अपडेट्स नई नई जानकारी निकल के आ रहा है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी आ रहा है, तो बस आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मेहनत तैयारी अच्छे से करना है, आपको इससे अच्छे से प्रिपरेशन करना है कि इस एक ही बार में आप जो है कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को जो है क्वालिफाई कर पाए, क्योंकि आपको ज़िंदगी बदलने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए सिर्फ एक ही मौके की तलाश होती है। तो इसी के मौके में यदि आप अच्छे से मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, तो उसका एक बेहतर इम्पैक्ट, उसका एक बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा और आपके सभी सपने, आपके सभी ख्वाब जो है पूरे हो पाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आप लोगों को कम्प्लीट जानकारी देने वाला हूँ। और छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 12,489 पदों के लिए जल्द ही आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन जो है जारी होने वाला है। तो बस जितना ज़्यादा हो सके आप जो है मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली अवश्य रूप से हो पाएगा। और कोई भी चीज़ जो है नामुमकिन नहीं है, कोई भी चीज़ें जो है इम्पॉसिबल नहीं है, बस सभी चीज़ आपके जो है सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि ये नहीं होगा मतलब वो नहीं होगा, तो मेहनत कर रहे कीजिए, मेहनत करने से पीछे आपको नहीं हटना है। तो शिक्षक के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आगे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से प्रश्न जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और किस तरीके से प्रश्न का आंसर आपको सॉल्व करना है, तो लास्ट तक अवश्य देखें। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा की सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो आपके एग्ज़ाम में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न जो है आपके एक अंक के होंगे। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपके एग्ज़ाम्स में जो है 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके साथ सामान्य हिंदी से 25 अंकों के प्रश्न आएंगे, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, गणित और विज्ञान से 30 अंकों के 30 प्रश्न, सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों के, कंप्यूटर से 10 अंकों के और सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों के, तो 150 प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। और हर एक प्रश्न जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से करना है ताकि आपका जो है सिलेक्शन हो जाए। और देखिए कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो है मुश्किल नहीं है, बस आप लोगों को उसके लिए जो है मेहनत करना है, तैयारी करना है, तभी आपका सिलेक्शन जो हो पाएगा। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इसमें आपकी विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों के शिक्षण से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। इसके साथ हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो है आपका व्याकरण आता है, तो हिंदी व्याकरण में आपका जो है स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, ये सभी हिंदी के व्याकरण पूछे जाते हैं। तो हिंदी के व्याकरण भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हिंदी की तैयारी यदि आपको करना है, हिंदी व्याकरण के बारे में समस्त जानकारी आपको चाहिए, हिंदी व्याकरण के बारे में संपूर्ण नॉलेज इकट्ठा करना है, तो इसके लिए आपको जो है दिल्ली आई एस अकेडमी का बुक लेना है। तो यदि आप दिल्ली आई एस अकेडमी का बुक से हिंदी की प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे, तो आपकी हिंदी की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको हिंदी के बारे में कम्प्लीट ए टू जेड नॉलेज देखने को मिल पाएगा। तो इसके तैयारी हिंदी के लिए आप जो है दिल्ली आई एस अकेडमी का बुक से कर सकते हैं। इसके साथ हम बात करें इंग्लिश के, तो इंग्लिश में आपका जो ग्रामर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ग्रामर, तो ग्रामर्स में आपका जो है नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वाइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टाइप, वन वर्ड, सब इंस्टीट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फ्री नेटवर्क, नॉन फ्री नेटवर्क, प्रेसिस रेटिंग, ये सभी आपके
इंग्लिश के ग्रामर में पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश के ग्रामर की तैयारी करने के लिए आप जो इसेंशियल इंग्लिश चश्मी सी दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। तो यदि आप इसेंशियल इंग्लिश चश्मी सी दिशा पब्लिकेशन की बुक से इंग्लिश ग्रामर्स की तैयारी करेंगे तो आपको इंग्लिश के बारे में बेहतर नॉलेज मिल पाएगा और ए टू जेड कम्प्लीट नॉलेज ज़रूर मिलेगा। तो आप जो इसेंशियल इंग्लिश चश्मी सी दिशा पब्लिकेशन के बुक से इंग्लिश ग्रामर्स की तैयारी कर सकते हैं। इसेंशियल इंग्लिश चश्मी सी दिशा पब्लिकेशन के बुक आपके CGPSC, UPSC, बैंक, SSC, रेलवे सभी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जिससे आप एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से आप जो है कर सकते हैं। इसके साथ हम बात करें आपके गणित के, तो गणित में आपका जो है घातांक, बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियां, ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, समय तथा दूरी, रेखा तथा कोण, समतली आकृति, सांख्यिकी। तो गणित से आपके एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गणित की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप डॉक्टर RS अग्रवाल के बुक से MSc की तैयारी करेंगे तो आपके MSc की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको गणित के बारे में जो है संपूर्ण A to Z नॉलेज मिल जाएगी। इसके साथ हम बात करें रीजनिंग के, तो रीजनिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो रीजनिंग के लिए आप जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं, जिसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल ये सभी जानकारी आपके रीजनिंग में दिया रहता है। इसके साथ बात करें हम साइंस की, तो साइंस में आपका आएगा बल एवं गति, वाष्पन, सुचालक, कुचालक, प्रकाश के स्रोत, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि संचरण, चुंबक के गुणधर्म, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, कोशिका, कोशिका विभाजन, मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र, इसमें आपका जैविक, अजैविक घटक, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग जिसमें आपका खसरा, डिथेरिया, हैजा, टाइफाइड रोगों से बचाव, संतुलित भोजन, ये सभी आपके जो साइंस में पूछे जाते हैं। तो साइंस की तैयारी करने के लिए आप जो है दृष्टि IAS का क्विक बुक ले सकते हैं। तो यदि आप दृष्टि IAS के क्विक बुक से साइंस की तैयारी करेंगे तो आपके साइंस के प्रिपरेशन जो बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको साइंस के बारे में A to Z नॉलेज मिल जाएगी। इसके साथ सामाजिक अध्ययन की बात करें तो सामाजिक अध्ययन में आपका भारतीय समाज, भारतीय समाज एवं संस्कृति, मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, इनसे संबंधित प्रश्न जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके साथ हम बात करें कंप्यूटर्स की, क्योंकि कंप्यूटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कंप्यूटर्स में आपका कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें आपका CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है कंप्यूटर से जानकारी पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर्स की तैयारी करने के लिए आप जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परीक्षा ले सकते हैं। तो इन सभी से जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए, कंप्यूटर्स की तैयारी डेफिनेटली अवश्य अच्छे से हो पाएगा। इसके साथ सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान में आपका भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, इन सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज पूछे जाते हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर वीडियो से आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और आपका अगर कोई भी डाउट्स, आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप जो कमेंट कर सकते हैं और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई जो अवश्य करूँगा। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट जो है बनाए रखना, कोई डाउट्स हो तो कमेंट करना। धन्यवाद।